Part of the nationwide Satyagraha, Congress leaders and workers also staged a protest in Guwahati. Well, these are visuals from outside the Rajiv Bhavan in Guwahati, where scores of party workers and leaders gathered to protest against the ED summon to Rahul Gandhi. Well, the Congress leaders alleged that party workers were stopped from marching towards the ED office. देखिए जो केस में ईडी ने आज राहुल गांधी जी को बुलाया है इस केस में यही बीजेपी सरकार ने 2015 में राहुल गांधी को क्लीन चिट दिया था और जो मामला उन लोग ने दिखाया है जो नेशनल हेराल्ड पेपर ये न्यूज़पेपर जब बंद होने का समय आ गया तब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 90 करोड़ रुपया हम लोग एक एक इंस्टॉलमेंट का हिसाब से 100 इंस्टॉलमेंट में हम लोग ने नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने के लिए दिया था और इसका 65 करोड़ ये सबको मालूम है देश में सबको मालूम है जो 65 करोड़ रुपया वीआरएस में इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में और बिल्डिंग का भाड़ा देने में खर्चा किया तो आज इलेक्शन कमीशन का भी कोई आपत्ति नहीं है पार्टी का पैसा पार्टी ने कहाँ खर्चा किया वो इलेक्शन कमीशन को मालूम है और बीजेपी ने 15 में क्लीन चिट दिया अब जब नुपुर शर्मा का केस आ गया जब नुपुर शर्मा का केस के लिए बीजेपी का और मोदी जी का वो भी पूरा देश भर में पूरा विश्व में जब इसका भावमूर्ति म्लान हुआ है तब इन्होंने ये इशू डाइवर्ट करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट किया है। आज हमारे ये जो शांति समारोह है इसका मकसद एक ही है जो हम लोग किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है डरने वाला नहीं है हम लोग राहुल गांधी का साथ है राहुल गांधी का साथ रहेगा और पूरा हमारा कांग्रेस का परिवार राहुल गांधी का साथ ही रहेगा। आज भारतवर्ष में अहिंसा आंदोलन करने के लिए भी मौका नहीं है। आज हम लोग क्या क्या है हम लोग तो कोई लाठी बंदूक लेकर नहीं आए हम लोग एक बैनर लेके ईडी ऑफिस जाने के लिए आए हैं तो ईडी ऑफिस तक जाने के लिए बीजेपी का क्या प्रॉब्लम है। दिस इज द ऑटोक्रेसी ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट दे हैव दे वांट टू डाइवर्ट द इश्यू ऑफ नुपुर शर्मा बाय कॉलिंग राहुल गांधी ईडी हैज इश्यूड समन एंड वी आर प्रोटेस्टिंग हियर You see, they have stopped us. We have a peaceful procession, and they are opposing this democratic, peaceful right of political party. So they want to finish the democracy, and it is totally autocracy in India under leadership of Narendra Modi. And we protest, we oppose this type of autocracy. We will fight against this autocracy. And we will bring democracy in this country.